कर्नाटक में सीएम के नाम पर सस्पेंस अब भी जारी है। कर्नाटक के लिए जिन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था उन्होंने विधायकों से मिलकर रिपोर्ट जो तैयार की उसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम का नाम तय किया जाएगा। उधर डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, सिद्धरमैया पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और आलाकमान की मौजूदगी में अब कर्नाटक में कौन सीएम का चेहरा होगा इस पर खुलासा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, सिद्धरमैया कल ही दिल्ली रुख कर चुके थे और सबसे बड़ा सवाल क्या आलाकमान के फॉर्मूले को मानेंगे डीके शिवकुमार? आइए जरा हलचल समझते हैं दिल्ली और साथ ही कर्नाटक में कैसी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा हमारे साथ हैं। ब्रह्म, दिल्ली में क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि सिद्धरमैया कल आ गए, डीके शिवकुमार आज आए हैं, हलचल काफी तेज है कि क्या आज किसी नाम पर मोहर लगेगी। आप तब से इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं, आपको अंदर खाने क्या खबर मिल रही है? घंटे तक तकरीबन राहुल गांधी और जो ऑब्जर्वर थे उन तमाम लोगों की बैठक चलती रही। इसमें रणदीप सुरजेवाला भी शामिल थे जो कर्नाटक के प्रभारी हैं और साथ ही संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी शामिल थे। तकरीबन दो घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रिपोर्ट पर आज भी मंथन चला, इससे पहले कल भी देर रात तक बैठक चलती रही। तो जो भी फॉर्मूले हो सकते हैं उन पर चर्चा की गई। अब इंतजार किया जा रहा है डीके शिवकुमार का, जो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें बाहर की दिखा सकें तो देखिए पूरी सड़क पर मीडिया और जो कुछ समर्थक हैं कांग्रेस के वो मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है डीके शिवकुमार पहुँच सकते हैं। हालाँकि दिल्ली तो वो 1 बजे के लगभग पहुँच गए थे लेकिन उसके बाद सीधे लंच करने चले गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नहीं पहुंचे थे। अब माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में डीके शिवकुमार आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनको फॉर्मूला बताया जाएगा कि किस पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं के साथ चर्चा हुई है वो उनको बताया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अलग से जो है शिवकुमार मुलाकात करें तो उसकी भी संभावना है। लेकिन अभी की स्थिति में कहें तो अभी किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला, सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं निकला है जिस पर डीके शिवकुमार ने सहमति जताई हो। वो जब मिलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से उसके बाद ही तय होगा कि वो पार्टी के बताए गए फॉर्मूले पर आगे चलते हैं, मानते हैं या नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है स्वाति, कि पार्टी किसी भी सूरत में डीके शिवकुमार को नाराज नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी रास्ता निकले उसमें डीके शिवकुमार की सहमति हो ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। स्वाति, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री कर्नाटक का बनना है लेकिन नजरें तो 2024 पर भी हैं और 2024 के लिए कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है इसको भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी फैसला लेना चाहेगी। जयपाल शर्मा, आपसे समझना मैं चाहती हूं कि कर्नाटक में इस वक्त कैसा माहौल है, क्या आपको वहां पर महक नजर आ रही है? क्योंकि दोनों ही जो नेता है वो कद्दावर हैं, अपने अपने उनकी इंपॉर्टेंस है वहां की सियासत में। कर्नाटक सीएम पद को लेकर डीके शिवकुमार बयान देते हैं कि अगर मैं योग्य हूं तो मिले जिम्मेदारी, मेरा कर्नाटक घर है, किसी को बांटना नहीं चाहता, तो क्या समझे ऐसे बयानों से? जी देखिए, कर्नाटक में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सवाल जो है बेंगलुरु से उठ करके अब दिल्ली पहुंच गया है। डीके शिवकुमार कल शाम को ही पहले दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदला, उनके बदले उनके भाई डीके सुरेश जो कि लोकसभा के सदस्य हैं वो दिल्ली पहुंचे। और हमारे सूत्र बताते हैं कि लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि किसी तरह से श्रीमती सोनिया गांधी से एक अपॉइंटमेंट मिल सके, क्योंकि डीके शिवकुमार की इच्छा ये है कि इससे पहले कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले वो एक बार सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं। आज सुबह जब वो यहाँ से निकले तो उसका एक बयान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके अंदर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए एक माँ की तरह है और माँ जानती है कि जो इस बच्चे को क्या चाहिए।
जाहिर सी बात है कि इस पूरे चुनाव के अंदर में जिस तरह की कैंपेनिंग की गई है, जो मेहनत की गई है, खून पसीना बहाया गया है, उसके अंदर में डीके शिवकुमार का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा डीके शिवकुमार जो है कांग्रेस के लिए एक संकट मोचक रहे हैं हमेशा, अभी से नहीं हमेशा। गुजरात के विधायकों का मामला हो, मध्य प्रदेश के विधायकों का मामला हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई हो उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। यही वजह है कि डीके शिवकुमार अपना दावा बहुत ज़्यादा पुख्ता कर रहे हैं। 12:30 बजे वो दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन अभी 4 बजने का वक्त है, अभी तक वो मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर नहीं पहुंचे, जबकि सिद्धरमैया वहां पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कई विधायक जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई है वहां पर। राहुल गांधी भी पहुंचे थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे। मीटिंग हुई है, लेकिन जो फार्मूला तय किया गया है, जैसा ब्रह्म बता रहे हैं कि वो फार्मूला तभी माना जाएगा जब डीके शिवकुमार उसको स्वीकार करते हैं। वो फार्मूले पे वो राजी होंगे नहीं होंगे, वो क्यों पहले श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, ये कई सवाल हैं। अभी इंतज़ार किया जा रहा है, डीके शिवकुमार अगर वहाँ आते हैं, बातचीत होती है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि ये मामला थोड़ा और लंबा खींचे, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक श्रीमती सोनिया गांधी अभी दिल्ली में नहीं है, और हो सकता है कि उनका भी इंतज़ार किया जाए किसी भी फैसले को लेने से पहले। जी स्वाति जी, बिल्कुल। तो कर्नाटक में सीएम पद पर कौन बैठेगा, सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि जो एक्शन है दिल्ली में भरपूर है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए जो दोनों ही चेहरे हैं वो जब आएंगे सामने, उसके बाद कब मोहर लगती है, इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे।